दोस्तों, जब भी आप इस तरह का प्रोडक्ट देखते होंगे तो आपके मन में एक ही ख्याल आता होगा कि क्यों ना इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम भी अपना काम आसान कर लें। लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि क्या ये चीज़ें सही में यूज़फुल होती भी हैं या फिर नहीं, या फिर ये प्रोडक्ट आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही दिखाया जाता है और आपको चूतिया बनाया जाता है। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है सीट क्लीनर फॉर्म, जो कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि ये आसानी से कार में स्प्रे किया जाता है, कार के डैशबोर्ड में, कार के इंजन में, कार के सीट्स में इसको स्प्रे करके बहुत ही आसानी से निकाला जा रहा है। तो क्या ये चीज़ें सही में यूज़फुल होती भी हैं या फिर ये वीडियो में ऐसे ही आपको दिखाया जा रहा है कि भैया हाँ हमने स्प्रे कर दिया और ये चकाचक साफ हो गया बिना किसी परेशानी के। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों ही दूंगा और साथ ही साथ ये भी आपको बताऊंगा कि क्या ये चीज़ें सही में यूज़फुल होती हैं आपके लिए या फिर नहीं। इस तरह का कुछ ये दिखता है इसको ओपन करने से, और यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्रश भी दिया हुआ है जो कि इसको आप स्क्रब करने में ऐसे करके काम आएगा। और अगर इसे खोलते हैं तो नीचे एक स्प्रे करने के दिया है। इसे यूज़ करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि बच्चों से दूर रखिएगा इन सब चीज़ों को, और जहाँ स्मोकिंग हो वहाँ पर यूज़ ना करें, स्प्रे है तो आग का खतरा हो सकता है। और ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें इन सब यूज़ करने को पहले। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपर्पज़ फॉर्म क्लीनर। तो जैसे कि आप इसको कार, बाइक, सीट्स, मेट्स, टाइल, फ्लोर क्लीनर, ये सब फर्नीचर वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में तो मैं यूज़ अभी नहीं करने वाला हूँ फिलहाल, तो मैं अभी फ़िलहाल कार के अंदर जो सीट होती हैं वहाँ पर यूज़ करूँगा, डैशबोर्ड पे, स्टेयरिंग पे और व्हील पे, इन सब चीज़ों के ऊपर यूज़ करूँगा। और वहाँ पर जो ऊपर छत्ते होते हैं उसके ऊपर मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि क्या ये सही में वर्क करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे कार का जो डैशबोर्ड है वो कितना ही ज़्यादा गंदा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पूरा यहाँ पर ऑयली ऑयली जो लोग हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे मतलब कि ये हो गया है, और इसका एसी भी काफ़ी तरीके से गंदा है, बहुत ही ज़्यादा डल है, ये देख जैसे देख पा रहे होंगे आप। और साथ ही में स्टेयरिंग को भी देखिए तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसमें देखा तो वो धूल भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं मतलब पूरी ज़्यादा गंदा ही गंदा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो मैं अभी ये पूरा कवर इसका हटा करके, जो भी डैशबोर्ड में कवर लगे हुए हैं इसको हटा करके मैं आपको साफ़ करके दिखाता हूँ कि ये कहीं सही में साफ़ होता भी है या फिर नहीं। और साथ ही साथ अगर आप ये गेट की बात करें तो डोर में भी देखिए काफ़ी ज़्यादा डल और चिद्दी दागे हैं, साथ ही साथ ऊपर में भी है बहुत सारे, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, जब भी आप इस चीज़ को यूज़ करें तो उसको सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से सेक करना है, मतलब कि हिलाना है, और जिस जगह पे आपको स्प्रे करना मतलब कि साफ़ करना हो वहाँ पर आपको अच्छे से स्प्रे करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले इस डोर पे करता हूँ और ये पूरे डैशबोर्ड पे, फिर इसके यहाँ पर जो ये स्टेयरिंग व्हील है ये बहुत ही गंदा है तो इसको मैं करता हूँ, तो ऐसे करके मैं यहाँ पर इसको सेक करके स्प्रे कर दूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पूरा जिस तरह वीडियो में दिखाया गया था बिल्कुल वैसे ही इसमें निकलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन रिज़ल्ट कितना देगा वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अभी मैं फिलहाल स्प्रे करके छोड़ देता हूँ, और ये कांच पे भी लग जाएगा, मतलब कि अगर आपके शीशे पे भी लग जाएगा तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन हाँ आप ग्लव्स का यूज़ करने के लिए बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा, ग्लव्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो मैं फटाफट से इसको स्प्रे कर देता हूँ हर जगह पे, और अच्छे से डोर पे कर देता हूँ, उसके बाद सीट्स को भी करूँगा, इंजन को भी करूँगा एक। तो दोस्तों, फाइनली स्प्रे करने के बाद मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देता हूं और साफ़ करके देखता हूं कि क्या ये चीज़ें सही में यूज़ हुआ और कितना इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव और कितना नेगेटिव हुआ, ये आपको पता चल जाएगा तो एक 5 मिनट के बाद। 5 minutes later। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने 2 से 4 मिनट इसको छोड़ दिया, और ज़्यादा देर तो छोड़ना नहीं चाहिए। उस वीडियो में दिखाया गया कि भाई बस स्प्रे करते हैं और दूसरा क्या है कि तुरंत साफ़ हो जाता है, तो मैंने फिर भी 2 से 4 मिनट छोड़ दिया और उसके बाद इसको मैं साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये साफ तो हो रहा है, हाँ ये हो रहा है साफ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जिद्दी दाग है तो उतना तो नहीं होता है। माफ़ कीजिएगा, मेरा गाड़ी का हॉर्न बज जा रहा है, मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। तो ये साफ़ हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ जितना ज़्यादा होना चाहिए। तो फटाफट से मैं इसको सारे को साफ़ कर लेता हूँ, डैशबोर्ड वगैरह को, डोर को। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्लीन हो रहा है, बहुत ही हद तक क्लीन हो गया है। मैं इस हाथ को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही हाथ को यूज़ कर रहा हूँ जिसमें ग्लव्स है, तो मेक श्योर कि आप भी ग्लव्स लगा के ज़रूर इसे यूज़ करें क्योंकि इस तरह के केमिकल्स हानिकारक हो सकते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने पूरा अच्छे से स्प्रे किया और अच्छे से पूरा साफ भी कर दिया। एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया है। मैं सोचा था कि इसको आगे इंजन में भी यूज़ करूँगा, लेकिन ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया अभी तो, और मैं भी किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर पाऊँगा। इतने सही एरिया में ये डैशबोर्ड और दोनों डोर में आगे का ख़त्म हो गया। मैं इसके फ्लोर पर भी चेक करने वाला था, लेकिन यहाँ पर भी नहीं हो पाया। तो हाँ, ये चीज़ें काम करती हैं, तो ये चीज़ तो पता चल गया कि ये ऐसे ही नहीं दिखाया जाता है। लेकिन हाँ, उतना क्लीन नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी बहुत हद तक क्लीन हुआ जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, और आप भी जैसे बिफोर और आफ्टर सीन देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि भाई ये काम करता है या फिर नहीं करता है। आपने देख ही लिया होगा वीडियो में अभी तक, और ये आप सुनिश्चित कर लिए होंगे कि भैया ये हमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। मेरी राय में माने तो आप इससे खरीद के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ छोटा सा एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कार के इंजन में भी और इसके टायर में भी, व्हील में भी एक बार ट्राई करके बताऊँगा, तब तक वो ख़त्म हो चुका था मैंने उसको स्प्रे किया तो। लेकिन हाँ, रिजल्ट अच्छा ही रहा अगर देखा जाए तो, 100% में 70% रिजल्ट इसका अच्छा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को ये सीट क्लीनर फोम को खरीदना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।